Assalamu alaikum and good morning. कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अच्छा, अभी सुबह हो गई है, सुबह तो नहीं, खैर दोपहर हो गई है, लेकिन बस हमारी सुबह हो गई है क्योंकि टाइम है 10:30 तकरीबन। तो बस मैंने सोचा कि आज क्या करें, वैसे बोर बैठने से अच्छा है कुछ बना लेते हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि चलो पेस्ट्रीज़ बनाते हैं, हम पेस्ट्रीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। सबसे पहले तो अभी नाश्ता आएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद आपसे गप लगाते हैं। ये आ गया है मेरा नाश्ता, ये ऑमलेट ब्रेड और ये ब्लैक कॉफ़ी, और ये बच्चे साथ बैठे हुए हैं, जिगरान का एग और ये सलाद। अभी नाश्ता हो गया, अभी जाके बनाते हैं पफ पेस्ट्रीज, और ये जिब्रान भी बाहर आ गया है और ये सफाई भी शुरू है। फिर मैं जाके इंग्रेडिएंट्स आपको सारे बताती हूँ। अभी अंदर सफाई हो रही तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए हैं। मौसम यहाँ पे चेंज हो रहा है, बाहर आ रही है हल्का हल्का, सब कुछ अभी सब्ज हो जाएगा। और ये देखें ज़रा, अभी हवा चल रही है, देखिए इसमें भी हल्के हल्के फूल बनना स्टार्ट हो गए। अच्छा जी, अब मैं वापस आ गई हूँ, आप देख लें इंग्रेडिएंट्स सारे। ये हम बना रहे हैं पेस्ट्रीज, 4 हम लोगों ने लेने हैं एग्स, इनके वाइट अलग करने हैं और जर्दी अलग करनी है, फिर इनको बीट करना है। ये हमारे पास हो गया वेनिला एसेंस, तकरीबन 1/2 टीस्पून डालना है। ये क्रीम हो गई विपी विप, ये पाइनएप्पल की टिन होगी, इसमें से हम लोगों ने रस भी लेना है, और पाइनएप्पल अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप इसके बगैर बना भी नहीं सकते, क्योंकि पाइनएप्पल पेस्ट्रीज बनानी है तो इसको इसका होना ज़रूरी है। ये 75 ग्राम्स है, ये 75 ग्राम्स आइसिंग शुगर है, इसको अगर आपके पास साबुत भी दानेदार भी है तब भी ठीक है। और ये 1 कप मैदा हो गया। अभी हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं, पेस्ट्रीज बनाना, ठीक है। ये अंडे की सफ़ेदी अलग कर दी है, जर्दी अलग कर देंगे। अब हमने इसको तब तक बीट करना है ये इलेक्ट्रिक बीटर से, जब तक इस पर अच्छी तरह जाग ना बन जाए, ये बिल्कुल क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बीट करना, जब तक इस पर जाग नहीं बन जाती, इट्स डिपेंडेंट ऑन यू ना कब तक इसको आपने बीट करना है। चलें देखें, अब यह बिल्कुल क्रीम की तरह हो गई है। अब हमने इसमें जर्दी थोड़ी थोड़ी करके शामिल करनी है और साथ साथ बीट करना है। अब इसमें हमने थोड़ी सी जर्दी डालनी है और साथ साथ बीट करनी है। वो जर्दी डाल दो, नहीं थोड़ा थोड़ा, इसी तरह सारी जर्दियाँ डालकर इसको अच्छी तरह बीट करना। ये करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आइसिंग शुगर डालेंगे इस तरह, और साथ साथ हल्का हल्का बीट करते जाना है। अच्छा, अभी हम डालेंगे 1/2 चम्मच इसमें वेनिला एसेंस, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं पहले बताना भूल चुकी थी। ये हो गया वेनिला एसेंस और अभी बेकिंग पाउडर जाएगा। अभी हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको थोड़ा सा बीट करने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैदा मिलाएंगे, लेकिन वो हम लोगों ने हल्के हाथ से मिक्स करना है, बीटर नहीं चलाना। मैं यहाँ पे केक इसमें बेक करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना ओवन नहीं लाई, तो इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह गर्म करके इसके अंदर स्टैंड रख के इसको बनाना है। और ये हम लोगों ने भी इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके
इसको हल्के हाथ से मोल्ड करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। और साथ ही हम लोगों ने इसकी बेकिंग ट्रे लेनी है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसको हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करके इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दें तो फिर आपका केक इसके साथ नहीं चिपकेगा। निज़ामी इसको सेट कर दो। ये हल्के हाथ से अभी हमने मोल्ड कर दिए है, अब हम उसको बेकिंग ट्रे में डाल के बेक करने के लिए रख देंगे। ये मोल्ड बिल्कुल रेडी हो गए, अभी हमने अपना सारा बैटर इसमें डालना है। ये मोल्ड में रखिए, थोड़ा सा इस तरह करने कि सारा अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छी तरह फिक्स हो जाए। और ये हमारा गर्म हो रहा है, हम इसमें रख देंगे इसको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए यहाँ पे बेक कर लेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे बेक करना है। चलिए जी, अभी यहाँ पर हमारे 45 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स तकरीबन देने। अब चूल्हा बंद कर देना है और इसको चेक करेंगे कि ये रेडी हो गया है कि नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने देंगे, फिर उसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा स्पंज माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह रेडी हो गया है, इसने साइड्स छोड़ दिए हैं। अब इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर हम इसको प्लेट में उठा करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये इसमें डाल दिए, ये हटाते हैं। माशाल्लाह, हमारा स्पंज बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसको 10 मिनट देंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये केक के 3 हिस्से कर दिए इस तरह बीच में काट के, ये एक, ये दो और ये तीसरा। अब इसका आगे का प्रोसीजर करते हैं और इतनी देर में क्रीम डालेंगे और उसको बीट करेंगे ताकि वो जाग बनना स्टार्ट हो जाए उसकी। अच्छा जी, अभी हम इस पर थोड़ा सा ये शीट लगाएंगे ताकि ये इसका स्पंज नरम हो जाए। अगर आपके पास जूस नहीं है तो आप इस पर ये चीनी का वो भी बनाकर आप ये भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये पाइनएप्पल के जो रस होता है वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। ये डालना है थोड़ा सा, ये मैंने पेस्ट्री बनानी थी लेकिन मैंने ये मोल्ड गलत ले लिए। ये राउंड शेप में, आप स्क्वायर शेप में लेंगे तो उसकी कटिंग अच्छी होगी। ये मैं इस पर लगा के आपको फिर दिखाती हूँ कि इसके ऊपर क्रीम और पाइनएप्पल कैसे रखना। ये देखें, इस क्रीम को चेक करने के लिए कि ये अच्छी तरह व्हिप हो गई है कि नहीं, इसको यूँ चेक करेंगे। देखिए, ये अभी से नहीं गिर रही, इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह व्हिप हो गई है। अब ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। और जबरन बड़ी शिद्दत से इसके इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ये तैयार हो जाए। इसके ऊपर अच्छी तरह लगा लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर अभी अच्छी तरह लग चुका है। अब इसके ऊपर हम पाइनएप्पल रखेंगे और फिर इसका अलग पीस दूसरा रखेंगे। ये हमारा एक सेट हो गया, अब इसके ऊपर हम दूसरा पीस रखेंगे आराम से। नहीं, इस तरह नहीं, सीधा करके रखूँ। हाँ, रख दो। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये शीरा डालेंगे और सेम प्रोसीजर करेंगे। ये इसकी सेकंड लेयर भी हो गई है, अब हम इसकी थर्ड लेयर करेंगे। ये आराम से इसके ऊपर रख दें,
प्रेस करें, शीरा लगाएं और फिर क्रीम लगाएं एंड तक। इसकी फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ। फिर ये इसके ऊपर ऊपर से भी क्रीम लगा दी है, अगर ज़्यादा नीट नहीं बनता तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर वैसे भी डेकोरेशन करनी है। अभी आपको मैं इसका बाकी भी बताती हूँ। ये हम इसको डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और ये स्टार वाला नोजल लगाएंगे। डाल दो और भी, चलो स्टार्ट है। अच्छा इस तरह आप सारे फूल बना लें। और क्योंकि मेरे पास चेरी नहीं थी तो मैंने इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी काट करके लगा दिए। बस ये हमारा होममेड केक तैयार है। अभी इसमें फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। लड़का बंद करो, देखिए जी अब ये फाइनल लुक इसकी आ गई है। Daya zamade.